चंगेज खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सर नहीं उठा सकते थे। वह खाना बदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव न था, इसलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। उत्तरार के गवर्नर की आंखों में उसने सीसा और चांदी पिघलाकर डलवा दी थी। माइक एडवर्ड्स सीक्रेट ऑफ मंगोल लाइफ के हवाले से लिखते हैं कि चंगेज ने एक बार खुद कहा था, आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य है दुश्मन का पीछा करना, उसे हरा देना, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, उसकी औरतों को रोते हुए छोड़ देना और फिर औरतों के जिस्म का। कुछ मुसलमान इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज की सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। चंगेज का मजहबों के प्रति रवैया एक जैसा था। उसकी सेना में बौद्ध, मुसलमान सब धर्मों को मानने वाले थे। उसने किसी एक मजहब को नहीं अपनाया। जब मंगोलों की ताकत बेहद बढ़ गई थी तो वेटिकन के पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। चंगेज नाम के पीछे खान का मतलब यह नहीं था कि वह मुसलमान था। चंगेज शमिनिस्म धर्म का अनुयायी था। यह धर्म मंगोलिया, साइबेरिया आदि इलाकों में प्रचलित है। चंगेज की किसी एक खास मजहब की इंसानियत के प्रति दुश्मनी नहीं थी। उसकी बर्बरता मजहबी नहीं बल्कि सियासी थी। शायद यही कारण है कि मंगोलियाई चंगेज खान को शैतान की औलाद नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। 1227 में आज ही के दिन चंगेज खान की मौत हुई थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहां दफनाया गया ये किसी को पता न चले, इसलिए उसे दफनाए गए सारे सैनिकों को मार दिया गया था। आज भी चंगेज खान की कब्र ढूंढने की कोशिशें जारी हैं।